नेक्स्ट है प्रूव दैट वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज जीरो. फोर्स तो लगती है चार्ज पार्टिकल पे पर वर्क डन जीरो होता है. तो इसको समझने के लिए एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज ये आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है बोर्ड के इनसाइड, ये रहा. तो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है बोर्ड के इनसाइड और सपोज ये वी वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल मूव करता है क्यू. कोई बताएगा इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, यस कि नो? यस. क्यों? क्योंकि वी और बी में एंगल कितना है? करेगा. कहां करेगा बोलो? डायरेक्शन अपवर्ड. अपवर्ड कैसे? बी बोर्ड के इनसाइड है, वेलोसिटी वेक्टर राइट है, तो फोर्स अपवर्ड है. कोई डाउट इसमें? ठीक. तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड मैग्नेटिक कहां पर होगी? अपवर्ड्स होगी. ठीक. अब कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा था, आपने फोर्स ऊपर लगा दी तो ये रास्ता सीधा नहीं रहेगा, थोड़ा सा मुड़ जाएगा, थोड़ा सा मुड़ेगा. तो इसने अपना रास्ता थोड़ा सा चेंज कर लिया, यहां कर लिया. लेकिन जैसे ही ये यहां पर इस रास्ते पे आया वी वेक्टर, तो अभी भी मैग्नेटिक फील्ड में, इट विल अगेन एक्सपीरियंस अ फोर्स. कहां पर? बी अभी भी इनसाइड है, वी ऐसे है, तो फोर्स कहां पर है? इस तरफ है. ये रही फोर्स, क्योंकि फोर्स वेक्टर वेलोसिटी के साथ एंगल हमेशा क्या बनाएगी? 90. वो राइट हैंड रूल, हमेशा तीनों चीजें आपस में 90 पे है, तो फोर्स वेक्टर 90 डिग्री पे है. तो यहां पर फोर्स लगते ही अपना रास्ता फिर चेंज कर गया, फिर फोर्स यहां पर लगेगी कुछ इस तरीके से, ये रास्ता अपना फिर चेंज कर गया. तो इस तरीके से करते 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 आप नीचे देखेंगे ये सर्कल में घूमना इसने शुरू कर दिया. तो आप देख लें, चाहे ये वी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, बी वी एफ, तो ये यहां पर आता जाएगा. तो ये बी वेलोसिटी वेक्टर ऊपर है, फोर्स इधर. यहां देख लो बी वेलोसिटी वेक्टर इधर है, फोर्स इधर. जहां मर्जी देख लो हर वक्त मैग्नेटिक फोर्स कहां लगेगी? टुवर्ड्स सेंटर. ये वैसा अपीयर हो रहा है आपको जैसे एक पत्थर स्ट्रिंग के साथ बना हुआ है, जाना टेंजेंशियल चाहता है पर किसी ने इसको बांध रखा है फोर्स के साथ, इसको घूमना पड़ रहा है इन सर्कल. तो मैग्नेटिक फोर्स क्या कर रही है? मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज कर रही है और किसमें घुमा रही है? सर्कल. सर्कल में घूमने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए? सेंट्रीपेटल. तो मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग लाइक सेंट्रीपेटल फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपेटल की तरह ही काम करती है. कोई डाउट इसमें? तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी है? मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू इसमें कितनी है बोलो? मैग्नेटिक फोर्स होगी बी क्यू वी साइन 90. मैग्नेटिक फोर्स इज बी क्यू वी साइन 90 एंड इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपेटल. तो सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी स्क्वायर बाय आर. ठीक है यहां तक? तो मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग लाइक सेंट्रीपेटल. वी यहां से बी क्यू वी इज एम वी स्क्वायर बाय आर कैंसल. तो कितने रेडियस में पार्टिकल मूव करेगा? एम वी डिवाइडेड बाय बी क्यू. तो इस तरीके से रेडियस कैन बी कैलकुलेटेड, बट पॉइंट इज कि इट इज मूविंग इन अ सर्कल. कोई डाउट इसमें? लॉजिक समझ में आ रहा है सर्कल में पार्टिकल क्यों मूव करता है? हर वक्त इसके ऊपर क्या कर रही है? मैग्नेटिक फोर्स दैट प्रोवाइड सेंट्रीपेटल फोर्स. अब दो मिनट के लिए सर्कुलर मोशन को याद कर लो. प्लस वन में सर्कुलर मोशन किया था. सर्कुलर मोशन में हमने यह सीखा था कि बॉडी का वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती जा रही है. डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा. तो मैंने आपको सर्कुलर मोशन में बताया था दो टाइप की फोर्सेस होती हैं, पहली सेंट्रिपिटल, दूसरी सेंट्रीफ्यूगल. नहीं बोलना, दूसरी टेंजेंशियल. सेंट्रीफ्यूगल कौन सा? कोई ड्रम चल रहा है जिसमें कोई सूडो फोर्स लगानी है. एक पार्टिकल तो घूम रहा है, तो एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, तो एक फोर्स है सेंट्रीपिटल, एक फोर्स है टेंजेंशियल. सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है बॉडी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज के लिए. ये प्लस वन में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, जिस दिन आपको बहुत मुश्किल लगा था ये सर्कुलर पहली बार. तो इसमें दो ही बातें सिखाई जाती थी कि सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने के लिए, ये वेलोसिटी की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता. और टेंजेंशियल फोर्स अगर मैं एक्ट करवाता हूं वेलोसिटी के साथ, तो वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जनरेट करता हुआ वेलोसिटी की वैल्यू को चेंज कर देगा.
तो अगर टेंजेंशियल फोर्स लगती है वो रिस्पॉन्सिबल है इसमें वेलोसिटी की वैल्यू चेंज करने के लिए, पर इसमें कोई टेंजेंशियल फोर्स तो है नहीं, सिर्फ सेंट्रीपिटल है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है कि ये बॉडी सिर्फ अपनी डायरेक्शन को ही चेंज करे, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगी मैग्नेट सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? तो मैंने इसमें ना बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लिख दिया हुआ है। नोट ये है, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा, विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ये देखो मैग्नेटिक फोर्स जो इसमें एक्ट करेगी इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ये हमने किया। ठीक है यहां तक? इट दिस फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन, तो ये मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन को चेंज कर देगी। इट कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी की वैल्यू को चेंज नहीं कर पाएगी, इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, बस पार्टिकल सर्कल में घूमना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है यहां तक? तो हमारा टॉपिक ये नहीं था एक्चुअल में, हमारा टॉपिक तो ये था कि प्रूफ करो कि मैग्नेटिक फोर्स जीरो वर्क डन करता है। वो तो हो गया प्रूफ। देखो कैसे फोर्स अगर कैसे एक्ट कर रही है, इस तरफ मैग्नेटिक, वेलोसिटी कहां पर है, इस तरफ। अगर वेलोसिटी इस तरफ है तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बनाऊं डी आर वेक्टर, वो भी कहां है, टूवर्ड्स राइट, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है, 90। तो वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी आर, तो आंसर क्या आएगा, एफ डॉट डी आर एंगल 90, तो वर्क डन है जीरो। वैसे भी हम +1 में ये टॉपिक किया करते थे, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी वर्क डन नहीं करती, सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क डन नहीं करती। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? तो इसके इसमें भी सेम है क्या, कि जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो ये फोर्स एक्सपीरियंस होगी, ये स्टेप क्लियर है। फोर्स वेक्टर वेलोसिटी के 90 डिग्री पे होगा, दिख ही रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये भी क्लियर है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, फोर्स और वेलोसिटी का जीरो, क्योंकि 90 डिग्री पे डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है। फोर्स इंटू वेलोसिटी पावर होती है, पावर जीरो है तो फिर वर्क डन भी जीरो है। ये ऐसे कर लो, वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट जीरो है, तो यानी कि वर्क डन भी जीरो है। क्लियर है यहां तक? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है ना, इसलिए वर्क डन क्या आएगा, जीरो। तो एनसीईआरटी में मैंने बुकलेट में लिखा नहीं, पर इसमें लिख दिया, तो लिख देना एनसीईआरटी के लिए, एक बार देख जाना, एक आध नंबर में आ जाए तो ठीक है, प्रूव कर देना। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक?